उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इंग्लैंड जो है जिसकी इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, अब वो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, और जो लोग एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए थे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं किधर, इंडस्ट्री के तरफ, ठीक है। और कॉर्न लॉ के बारे में जानना था पिछले वीडियो में कि कॉर्न लॉ किस तरह से लागू हुआ था और किस तरह से इसको एबोलिश किया गया था, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा हम लोग का ये टॉपिक है दूसरा, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप पार्ट टू, ठीक है ना। ये पार्ट टू में हम लोग ये जानेंगे कि फूड प्राइसेस फेल इन ब्रिटेन, फूड प्राइसेस का दाम घट रहा था, काहे घट रहा था, जबकि वहां के लोग जो है वो खेती भी नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के, क्योंकि एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ हुआ था, कॉर्न लॉ को एबोलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स और खाद्यान्न का बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, कहां कहां से हो रहा था, अमेरिका से हो रहा था, ठीक है, अमेरिका से हो रहा था, ब्रिटेन आ रहा था अनाज, रसिया से आ रहा था, और कहां से आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, ये सब जगह से अनाज रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ये सब जगह से अनाज कहां से आ रहा था, ब्रिटेन आ रहा था। कॉर्न लॉ को हटा दिया गया था तो सब जगह से अनाज आने लगा, तो क्या हुआ, यहां का रेट जो है ब्रिटेन का में जो अनाज के दाम है वो बहुत कम हो गए। कंजप्शन ऑफ ब्रिटेन ऑफ फूड ग्रेन रोज, ब्रिटेन में अनाजों का जो खपत है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, आप कभी मॉल वगैरह जाते हो, वहां पे अगर सेल लगा होता है, बाय वन गेट वन फ्री जब लगा होता है, सबसे पहले हम लोग वही खरीदते हैं क्योंकि सस्ता होता है। अब सस्ता होने की वजह से यहाँ पे कंजप्शन ऑफ ब्रिटेन में जो है अनाज का खपत बढ़ गया, लोग अच्छा खाना ज्यादा खाने लगे, है ना, सस्ता मिल रहा था तो इसका कंजप्शन बढ़ गया इंग्लैंड में। और ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था ब्रिटेन में, या कहें यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, सबको अच्छी आमदनी हो रही थी, बाइंग कैपेसिटी थी, और इसके वजह से मोर इंपोर्ट ऑफ फूड, इसका ज्यादा से बहुत ज्यादा अनाज का इंपोर्ट हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था अनाज का, और इसके लिए अमेरिका रसिया ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेती बड़े पैमाने पर होने लगे थे, बड़े बड़े ग्रासलैंड को खेतों में बदल दिया गया था, जंगलों को काट के खेत बना दिए गए थे, ज्यादा अनाज उगाया जा रहा था, और वो सारा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा था, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था और अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था, कंफ्यूज नहीं कर रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यूरोप में बढ़ा था, हायर इनकम था लोगों का, मोर इंपोर्ट ऑफ फूड हो रहा था, डिमांड वाज इंक्रीज। अब डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ कि रसिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में रेलवेज का विस्तार हुआ, रेलवेज का विस्तार हुआ काहे के लिए, लिंकिंग एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट्स, खेतों से अनाज तैयार होता है तो उड़ के तो पोर्ट में नहीं चला जाएगा या लंदन नहीं आ जाएगा, उसको तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसको डेवलप करना होगा, तो वो सिस्टम को डेवलप करने के लिए लिंकिंग एग्रीकल्चर रीजन टू पोर्ट्स को रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। और अब यहां से क्या हुआ, जैसे कि अमेरिका, तो अमेरिका वगैरह नया जगह था जिसको खोजा गया था, तो वहां खेती करने के लिए लेबर की जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी, तो उसके लिए क्या हो गया, माइग्रेशन होने लगा, सब लोग अमेरिका की ओर खेतों में काम करने के लिए, फसल उगाने के लिए जाने लगे,
माइग्रेशन ऑफ फॉर कल्टिवेशन होने लगा, बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। हम लोग वहाँ गए तो कहाँ रहेंगे, हवा में तो रहेंगे नहीं, तो वो घर बनाएंगे, है ना। तो सेटलमेंट्स वगैरह डेवलप होने लगे, बहुत तरह का सिस्टम वहाँ डेवलप हुआ, माइग्रेशन फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स, फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लेबर एंड कैपिटल का फ्लो हो रहा था, किस तरह से वर्ल्ड जो है कनेक्टेड हो रहा था। अब बिल्डिंग जो है, रेलवे का विस्तार हो गया, पोर्ट्स, पोर्ट्स को भी अब बढ़ाना था, पोर्ट्स की संख्या भी बढ़ानी थी, बिल्डिंग न्यू हार्बर्स, नए बंदरगाह बनाए गए, और जो पुराने वाले थे उसको एक्सपेंड किया गया, उसको नया किया गया, रिनोवेट कराया गया उसका। और वहां पे क्या हुआ, अमेरिका जैसे देशों में लैंड वॉज क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारा चीज, खेती करने का जो है एरिया बढ़ा, बढ़ गया टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। ब्रिटिश की डिमांड इतनी थी इन सबको मीट करने के लिए, सारा देशों में खेत वगैरह बनाए जा रहे थे। तो जरूरत कहाँ की थी, खेत कहाँ बनाए जा रहे थे, कहाँ पे सेटलमेंट्स बन रहे थे और कहाँ पे पोर्ट डेवलप हो रहे थे, तो ये नहीं दिखाता कि दुनिया कितना एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया था, है ना। तो हमारा तो टॉपिक वही है ना कि हम जान रहे हैं कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये वर्ल्ड ग्लोबल कैसे बना, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जिसने कि वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने के लिए वाद्य किया। तो ये सारा चीज हमने देख लिया, ठीक है। और फिनेंशियल सेंटर चेंज हो गया, अमेरिका और लंदन जैसे जो नए देश, एक जहां पर ट्रेड काफी ज्यादा डेवलप हो गया था, वो एक नए सेंटर, फिनेंशियल सेंटर के रूप में उभरे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप अपने बुक में एक बार रीड कर लेना, एक बार स्टडी कर लेना, और उसके बाद इसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर मन में आता है रीड करने के बाद, आप बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मन में आए तो उसे जरूर पूछना, ठीक है। और वीडियो जरूर देखना, पूरा देखना, और जहाँ समझ में नहीं वो पूछना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।